बाबा अगर आपको कोई फॉग लाइट्स लगवाना है NS200 पे तो मैं सब बताऊंगा, कहाँ पे लगाना है, कौन सा लाइट लगाना है, कौन सा लाइट आपको प्रीफर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। 1600 से 1800 रुपए कम हो जाएंगे। ये देखो थ्रो देखो यार। बाबा नया दिन नई शुरुआत नई कहानी और नया सिख। वेलकम टू माय डियर चैनल एडहॉलिक ब्लॉग्स। बाबा अगर आपको कोई फॉग लाइट्स लगवाना है NS200 पे तो मैं सब बताऊंगा, कहाँ पे लगाना है, कौन सा लाइट लगाना है, कितना आपको थ्रो मिलेगा, सब आपको डेमो भी दिखाया जाएगा, पर सुबह सुबह नहीं दिखाऊंगा, रात को दिखाऊंगा डेमो लाइट का थ्रो कितना है। तो बाबा फर्स्ट ऑफ ऑल फॉग लाइट्स में होते हैं बहुत सारी कंपनीज, आप पहले तो अपना ब्रांड सेट कर लो। मैं आपको ब्रांड वाइज भी बता देता हूँ, लोएस्ट मतलब चीपेस्ट में आता है, चीपेस्ट और बिल्ड क्वालिटी अच्छा, वारंटी वारंटी नहीं आता है इसमें, ये वाले कंपनी में वो है HJG कंपनी का है, इसमें वारंटी नहीं रहता है। मतलब मॉडरेट रेंज के लाइट्स है इसमें, मतलब अफोर्ड कर सकते हो आप। अब वो डिपेंड कौन सा टाइप का, कितना वाट का आपको लाइट चाहिए, अफोर्डेबल है। उसके बाद आता है मैड डॉग में भी बहुत सारे लाइट्स है, तो उसमें वारंटी रहता है, हार्नेस के लिए भी वारंटी है और लाइट्स के लिए भी वारंटी है, तीन तीन महीने का है, शायद तीन महीने का है, पाँच महीने का है नहीं पता, पर वारंटी तो है। फिर आते हैं क्लियर वाटर लाइट्स, वो सब है, ये HJG समझो लो रेंज के है, मैड डॉग वो सब मॉडरेट रेंज के, मॉडरेट मतलब मिडल, थोड़ा स्लाइटली अपर प्राइजेस, हायर प्राइजेस, और क्लियर वाटर वो सब और थोड़े बहुत कंपनी है, वो तो अल्टीमेट लेवल प्राइस है, तो 35-40 हज़ार का लाइट हो, वो सब पे जाने का नहीं जब तक आपके पास सुपर बाइक ना हो, 400 cc तक का गाड़ी है आपके पास तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा दो कंपनीज, एक है HJG, एक है मैड डॉग। अभी HJG में तो HJG तो बोल दिया, मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखा हूँ, बताते नहीं है कौन सा लाइट आपको प्रीफर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो आपको मैं बता देता है, टेंशन कहीं का लेने का। सो स्टार्टिंग विथ HJG में देखो बहुत सारे टाइप के लाइट्स है। स्टार्ट देखो एकदम छोटा वाला, सबसे छोटा वाला लाइट है ड्राइव लाइट बोल के, ड्राइव फॉग लाइट इतना सही है, मिनी ड्राइव लाइट्स है। फिर SJ20 है जो मैंने लगवाया है, थ्री लाइट्स बोल के आते हैं, ऐसा स्क्वेयर, वो 4 LEDs है उसमें, थ्री लाइन में 3 LEDs आते हैं, 2 LEDs आते हैं और एक उल्लू लाइट बोल के आता है, आउल टाइप का लाइट है, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स है, तो मैं आपको जो रेकमेंड करूंगा, और एक है मर्सिडीज़ बोल के, देखो भाई 80 वाट 60 वाट 40 वाट बोल के रहता है, आप ये मत समझो 40 वाट का एक बल्ब है ना, 20-20 रहेगा, अगर 90 है तो 45-45 रहेगा, मेरा है 60 वाट्स का तो 30-30 वाट्स का है। आप अगर लो रेंज में देखना चाहते हो तो एब्सोल्युटली गो फॉर ड्राइव लाइट्स, मिनी ड्राइव या ड्राइव फॉग लाइट जो भी है वो उस पर जा सकते हो आप 100% नो डाउट, उसका भी थ्रो अच्छा है, पर आपको थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलाते हो रात में, रात नाइट जर्नी ज़्यादा करते हो तो प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट। सुन लो SJ20 आप जा सकते हो और क्री लाइट्स आप जा सकते हो, या फिर आप उल्लू लाइट पर भी जा सकते हो, मतलब आउल लाइट्स भी है, और थ्री LEDs मतलब 1, 2, 3 ऐसा थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में है वो, उसमें भी जा सकते हो आप। इसमें क्या है येल्लो और वाइट लाइट मिक्स आता है मेरे वाले में, क्री लाइट्स में क्या है येल्लो और वाइट लाइट मिक्स नहीं आता, वाइट लाइट आता है सिर्फ, और उस पर जो है आपको कैप बिठाना पड़ता है। और एक भी है डुअल लाइट, मतलब डबल एलईडी है रेक्टेंगुलर में, उसको गार्ड भी आता है, येलो गार्ड भी रहता है उसको, मतलब येलो कैप भी उसमें ही फिटेड रहता है, खाली ऊपर नीचे करना रहता है आपको, और थोड़े बहुत लाइट्स में ऐसा मेटल गार्ड भी आता है कि पत्थर वत्थर ना लगे, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन है। तो मेरे को थोड़ा ओवर प्राइस ही पड़ा, या शायद आपको इतना कम वम करवा लो, देखो आप अपने हिसाब से। तो 5000 के लाइट्स थे विथ हार्नेस, अगर विदाउट हार्नेस लोगे तो वो सेपरेट 1100 रुपये का हार्नेस आता है, एंड अराउंड 500 वॉज द फिटिंग चार्जेस और 300 का क्लैंप्स। आप अगर थोड़ा ज़्यादा आपके पास बजट है तो यू कुड इधर गो फॉर मर्सिडीज़ और वाई लाइट भी बोलते हैं उसको, जो 80 वॉट्स का है, और यू कैन गो फॉर मैड डॉग, मैड डॉग में भी बहुत अच्छे हैं, मैड डॉग का जो क्वालिटी है वो मेरे को पसंद आया, पर इट वॉज़ आउट ऑफ बजट, सो ऑब्वियसली अभी ये लाइट ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है।
सो मैड डॉग, स्काउटेक्स और स्काउट दो मॉडल है, उसमें मॉडल तो बहुत सारे है, स्काउटेक्स स्काउट है और अल्फा डेल्टा है। अल्फा डेल्टा आपको नहीं चाहिए, आप उसके बारे में सोचने भी मत जाओ, अल्फा और डेल्टा वो सब प्रीमियम बाइक्स के लिए 200-400 सीसी तक के लिए फ़ायदा नहीं है, ये बहुत है, मोर देन एनफ है। 40 वॉट्स और 60 वॉट्स है शायद स्काउट और स्काउटेक्स, या 40 और 30, यही 60 के नीचे ही है, इतना भी है उसका। ऐसा सर्कुलर लाइट है और वो थोड़ा कॉस्टली है, अराउंड 7000 का आपको लाइट ही पड़ेगा। उसका हार्नेस और उसका स्विच प्रो, उसका ही स्विच लगवाना पड़ता है, स्विच प्रो या स्विच एक्स उसका दो है, तो अराउंड आपको 11-12 हज़ार तक पड़ेगा वो लाइट। तो मैं सोचा अब 11-12 हज़ार डालने से एकदम डबल ही समझो, सेम वोल्टेज सेम है, बस डबल उसका थ्रो वो सब अच्छा है, इसका भी अच्छा नहीं है बोल के नहीं। दीज आर प्रोजेक्टर लैंप्स। और शेव डिटेल्स विटेल्स के लिए देखो, मैं गया था इधर कहाँ पे, अग्रहारा लेक के पास है, आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, फिटिंग विटिंग सब करके देंगे। अगर आपको बाहर से भी लाइट लेके आओगे आप फिटिंग करके देंगे। देखो बाबा, एक घना सुनसान अंधेरा रोड पे रुका हूँ, पूरा अंधेरा है, वो स्ट्रीट लाइट भी बहुत आ गए है। ये मेरा गाड़ी का स्टॉक लाइट है, जैसे कि दिख ही रहा है, विजिबिलिटी ख़त्म ही है ये, इसको डाल के चलाना और अपना एक्सीडेंट कराने की बात है। बाय द वे दिस इज़ लोअर, जो स्टॉक है उसका लोअर है ये, इसका लूमेंस वो भी नहीं पता। ये देखो ये अपर है, कहाँ पेड़ पे आसमान पे जा रहा है, अपर का बाद में आपको बताता हूँ सीन क्या है। ये अपर है, ये लोअर है स्टॉक। हाँ, अभी HJG S20 का जो लाइट है वो चालू करूँगा, इसमें देखो वेरिएशंस मिलेंगे आपको, लोअर अपर फिर हजार्डस ब्लिंक भी मिलते हैं वैसे टाइप के, वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी चालू करते हैं लोअर बीम ऑफ HJG S20। ये देखो HJG S20 का लोअर बीम है, पूरा उधर तक जा रहा है मिनिमम, कुछ नहीं तो विजिबिलिटी आराम से 20 मीटर तो होगा विजिबिलिटी ये लोअर बीम है। बाय द वे HJG S20 आप ले रहे हो तो इसमें दो टाइप के लाइट आएंगे, एक येल्लो जो फॉग लाइट के लिए काम आता है और एक वाइट LED। येल्लो वाला लो बीम में आता है, राइट वाइट वाला हाई बीम में आता है, और एक मिक्स में भी आता है, हाफ येल्लो और हाफ वाइट, वो ना ही पूरा लो रहता है ना ही पूरा हाई बीम रहता है, ये लो बीम है। ये देखो ये वाइट LED अपर बीम हाई बीम है, ये पेड़ के वजह से नहीं दिख रहा है, ये इससे भी थोड़ा और आगे जाएगा, एक 5-10 मीटर आगे जाएगा। ये कैसा है अपर बीम, अगर आप कोई हिली एरियाज पे चढ़ा रहे हो तभी अपर बीम डालो, नहीं तो वेस्ट है, वो सामने जो भी चला रहा है गाड़ी उसके आँख में छूबेगा, वो मतलब का चीज़ नहीं है। और एक अभी मिक्स आएगा, देखो ये है मिक्स, नीचे जो आपको लो दिख रहा है वो फॉग लाइट येल्लो लाइट है, और वो अपर जो दिख रहा है वो वाइट LED लाइट है, तो दोनों मिक्स है, इसमें भी आप चला सकते हो, ज़्यादा मतलब स्ट्रांग येल्लो नहीं मिलेगा, थोड़ा मिड येल्लो और बाकी हाफ वाइट। ये देखो लोअर अपर मिक्स, आप रेड वाला बटन दबा के रखोगे तो बंद हो जाएगा ये। अभी इसमें फ्लैश मॉड्यूल्स भी मिलते हैं, फ्लैश मॉड्यूल सिर्फ अवेलेबल है अगर आप हार्नेस लगवाते हो, वो 1600 प्लस है, अगर आप हार्नेस नहीं लगवाते हो तो आपको फ्लैश मॉड्यूल्स नहीं मिलेंगे। अब फ्लैश मॉड्यूल्स दो प्रकार के हैं शायद, मैं ज़्यादा लगाता नहीं, मतलब का लगता नहीं है मेरे को, हार्नेस का भी आप लगाते क्यों है वो बाद में बताऊंगा। ये देखो ये पूरा स्टिल दोनों ब्लिंक करते हैं, आप कोई सा भी लाइट रखो, मैं लोअर पे रख के ब्लिंक करता हूँ इसको येलो लाइट पे, ये देखो फुल ब्लिंक करेगा दोनों, जो ये लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों ब्लिंक कर रहा है, और एक बटन दबाएंगे राइट और लेफ्ट, पहले राइट ब्लिंक करेगा फिर लेफ्ट, पुलिस सायरन जैसा, और एक भी है शायद, हाँ दो ही है, एक कंटिन्यूस दोनों ब्लिंक करेगा और एक जो है अल्टरनेट ब्लिंक करेगा पुलिस के जैसा। आप इसमें आपको वेरिएंट चेंज करना है तो ये येल्लो ये वाइट में भी सेम ब्लिंक करेगा, मॉड्यूल्स दोनों वैसे ही है, और मिक्स में भी आप कर सकते हो। ये देखो भाई येल्लो लाइट है, अभी ये वाला येल्लो है, अभी अपर डालता हूँ, ये अपर वाइट लाइट है, ये मिक्स, ये मिक्स में से कंटिन्यूस फ्लैश, ये अल्टरनेटिव फ्लैश। अभी मिक्स में एक ही बताता हूँ क्योंकि आगे सूर्य खड़ा है, सूर्य कहीं भड़क गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये पावर अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप मिनी ड्राइव फॉग लाइट बोल के भी आते हैं छोटे छोटे, उसका वॉटेज तो नहीं पता कितना है पर वो भी ले सकते हो। इसका देखो अभी हिली एरिया पे चढ़ रहा हूँ तो ऐसा कुछ इसका थ्रो है, मैं बहुत से वीडियोस देखा हूँ, एकदम एक जगह स्टिल होके ही बताए हैं, ऐसा कोई डेमो नहीं दिया है। मैं आपको स्ट्रीट लाइट के नीचे भी डेमो दूंगा बाबा, आपका ही ना सब डेमो, पूरा घर तक डेमो दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ये लोअर है
अपर भी दे देता हूँ, ये देखो अपर का थ्रो थोड़ा ऐसा ऊपर है, ज़्यादा हिली रहेगा ना तो आपको दूर का पूरा दिखेगा रोड, हिली मतलब डाउन हिल नहीं, अपहिल। ये देखो अपहिल है ना, अभी उधर अपहिल है, देखो पूरा दिख रहा है। मिक्स लाइट भी एक बार कर देता हूँ, ये देखो ये मिक्स है, थोड़ा लोअर है, लोअर और अपर आपको दोनों दिखेगा। और मैंने इसको क्या है बम्पर गार्ड्स पे लगवाया, आप कहीं पे भी लगवा सकते हो, आपका मर्जी है। अगर आप बम्पर गार्ड्स पे नहीं लगाओगे तो दूसरा कोई ऑप्शन आप देखो अपने हिसाब से, मेरे को अच्छा लगा डलवाए। मेरा एक्चुअली एक बम्पर गार्ड टेढ़ा है तो इसीलिए उसको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा, वो बम्पर लेग गार्ड सॉरी चेंज कराऊँगा तो तब देखा जाएगा। और एक ऐसा है थोड़ा पोजीशन जो करते हैं ना तो वो आप देख के करवा लो पोजीशन, कि किसी के आंख में नहीं छुपना चाहिए। अपर तो ऑब्वियसली छुपेगा ही छुपेगा, उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है, पर ये लोअर जो है वो नहीं छुपना चाहिए, येल्लो अगर छुपता है ना तो बहुत इरिटेशन होता है। तो अभी आप हार्नेस का सीन बता देता हूँ आपको, अगर आप हार्नेस नहीं लगवाओगे तब भी चलेगा, ऐसा कोई ये नहीं कि हार्नेस नहीं लगवाएगा अरे पूरा शॉर्ट सर्किट ही मार देगा। हार्नेस क्या है, मेन एक काम करता है, अभी मैं इग्निशन को ऑफ से ऑन करूँगा ना तो पावर सप्लाई, जब ऑन करता हूँ तो पावर सप्लाई ऑन हो जाता है। जो हार्नेस क्या काम करता है, एकदम पावर कट कर देता है कि आपका बैटरी ना खींच ले पूरा। तो आप हार्नेस नहीं लगवाओगे तब भी चलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा कनेक्शन वो सब करना पड़ेगा, वो एक बात है। और एक जो आपको बताया मैं, फ्लैश मॉड्यूल्स नहीं मिलेगा। अगर आपको फ्लैश मॉड्यूल्स नहीं चाहिए और पावर कट का आपको सेपरेट वायरिंग करवाना है तो यू कैन गो फॉर विदाउट हार्नेस, इट्स बेटर ऑप्शन। अब 1600 से 1800 रुपये कम हो जाएंगे, मेरे को पता नहीं था, मेरे को लेने के बाद पता चला, पर फिर भी अच्छा हुआ सेफ साइड पे लिया मैं, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है। आपको कोई भी डाउट्स है, किसी भी प्रकार का डाउट है, कौन से दुकान में मिलेगा क्या नहीं, कहाँ से ऑर्डर करना है, तो बिल्कुल आपके बाबा को जो है बिल्कुल मैसेज करो। अरे रे 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 धुआँ ही धुआँ, बिल्कुल मैसेज करो, कोई ऐसा घबराने का बात ही नहीं है। ये देखो थ्रो देखो यार, मज़ा आ गया। जब मैं बेंगलोर से आ रहा था ना, ये येल्लो लाइट फॉग को भी ऐसा कट करता है, इतना फॉग था उधर, लोग साइड को रुके हुए थे पर मैं रुका नहीं, क्योंकि अपने पास फॉग लाइट्स थी। फुल मस्त थ्रो है, नो डाउट, फुल 5800 जो भी वो खर्चा है पूरा वसूल है। आप मिनी ड्राइव फॉग लाइट्स भी लगाएंगे तो तब भी आपको पैसा वसूल है, पर आप लाइट्स इंस्टॉल करो, वो गाड़ी का जो स्टॉक लाइट्स है ना उसके भरोसे तो बिल्कुल ही मत चलो। हो गया बाबा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ इन पीस, पीस आउट, हर हर महादेव।